नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में 15,000 रुपए के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश टिन्ने उर्फ बावला थाना बहसुमा जनपद मेरठ का निवासी है। 15,000 रुपए का इनामी बदमाश 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस, बैखो का कारतूस और एक मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार हुआ। घायल बदमाश को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। सीओ खतौली डॉक्टर रवि शंकर ने बताया कि 19 जुलाई को खतौली पुलिस खतौली से पुलत रोड पर चेकिंग कर रही थी, तो चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह भागने का प्रयास करने लगा और पुलिस पर फायरिंग की। जहां पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश इसमें घायल हो गया। घायल होने के बाद जब इसे जानकारी जुटाई गई तो इस व्यक्ति ने अपना नाम टिन्ने उर्फ बावला निवासी बहसुमा जनपद मेरठ बताया और यह खतौली थाने का 15,000 रुपए का वांछित इनामी निकला। इसके पास से पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा में जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया। अवगत कराना है, आज दिनांक 19 जुलाई को खतौली पुलिस की टीम खतौली से फुलत रोड पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति सस्पिशियस हालत में आता हुआ दिखाई दिया, उसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया और जवाबी फायरिंग में पुलिस की घायल हुआ है। घायल होने के बाद इससे पूछताछ की गई और जानकारी जुटाई गई तो इस व्यक्ति का नाम टिन्ने उर्फ बावला जो बसुमा मेरठ का रहने वाला है और ये खतौली थाने का वांछित है, जिस पर 15,000 का इनामी बदमाश था। ये मुठभेड़ में घायल हुआ है और इसके पास से हमें जो है एक 315 बोर का तमंचा में कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। इस घायल बदमाश को उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भिजवाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।